गुड मॉर्निंग क्लास सेवन, माई सेल्फ रंजित कुमार, आई वेलकम यू ऑल इन द ई लर्निंग प्रोग्राम ऑफ मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंती नगर नवादा। दिस इज द फिफ्थ वीडियो लेक्चर ऑफ द चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। इन यस्टरडेज वीडियोज आई हैव टोल्ड यू दैट द ब्लैक कलर्ड ऑब्जेक्ट इज बेटर एब्जॉर्बर ऑफ द सनलाइट, सो इट गेट हीटेड फास्टर, एंड वाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट इज better reflector of light, so they get heated slowly. To make you understand this, I have explained one activity. So that's activity I have written here. So to prove that black bodies absorbs and radiate heat better than white color, यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा confusion नहीं होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन की बात कर रहे हैं। रेडिएशन ऑफ हीट और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, हीट और लाइट दोनों रेडिएंट एनर्जी है। जब लास्ट क्लास में हम बताए थे आपको, लाइट एंड हीट बोथ आर रेडिएंट एनर्जी। सो I have told you black color is better absorber, white color is better reflector of light. But here we are talking about radiation or emission of heat, not light. Okay? So, take two identical tin can, fill it with equal amount of water. दो tin can लेना है, दोनों को equal amount of water से भर लेना है। Paint one can black and other white. एक को black से color कर देना है, एक को white से color कर देना है। Place thermometer in both and keep it in front of room heater at same distance. Room heater के सामने इसको थोड़ी देर के लिए रुक देना है। बस रखना क्या है कि दोनों का distance same होना चाहिए from room heater. Read the temperature after 15 minutes. दोनों में एक एक thermometer डाला हुआ है। So, observation, the thermometer reading of the black can will be higher. क्योंकि black can जो है, वो जो light, जो heat निकल रहा है, जो radiation किया जा रहा है, light से, sun से, चाहे room heater से, वो better absorb कर रहा है black color. Okay. Switch off the heater and wait for 10 minutes. स्विच ऑफ कर दीजिए हीटर को थोड़ी देर के लिए और थोड़ा देर 10 मिनट के बाद देखिएगा। नाउ चेक द रीडिंग ऑफ थर्मामीटर। ऑब्जर्वेशन, यू विल ऑब्जर्व द रीडिंग ऑफ थर्मामीटर प्लेस्ड इन द ब्लैक कैन फॉल्स रैपिडली। थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। आप इसे लिख लीजिएगा, हम आगे से हट गए हैं, आप लोग लिखिएगा। थोड़ा सा हम इसको मिटाएंगे और फिर समझाएंगे। ओके, देखिए थोड़ा सा हम ट्राई कर रहे हैं समझाने का। व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कंपोनेंट विद योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन एनी बॉडी, कोई भी बॉडी की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे इमेजिन कीजिए कि ये बॉडी रेड कलर का है, तो इस पे सारा लाइट फॉल हुआ, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सब फॉल किया। बट ये सब को एब्जॉर्ब कर लेगा, ओनली रिफ्लेक्ट किसको करेगा, रेड लाइट को। इसलिए ये जो बॉडी है हमको रेड दिखेगा। अगर मान लेते हैं कि ये ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है, तो जब सारा लाइट पड़ेगा तो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, सिर्फ ग्रीन कलर का जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, अगर मान लो कि ये बॉडी व्हाइट कलर का है, तो अगर ये हमको व्हाइट दिख रहा है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे विब्योर, ये सब को रिफ्लेक्ट कर देगा, तो ये बॉडी हमको व्हाइट दिखेगा। अगर मान लो ये बॉडी ब्लैक कलर का है, तो ये कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये हमको ब्लैक कलर का दिखता है। इसका मतलब एक बॉडी जो है वो ब्लैक इसलिए दिखता है क्योंकि जितना भी लाइट है सब एब्जॉर्ब हो रहा है। एक बॉडी कोई चीज व्हाइट इसलिए दिखता है, ये व्हाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मेरा हेयर ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये
सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। देखिए नेचर में ब्लैक, परफेक्ट ब्लैक कुछ नहीं होता, ये भी कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा होगा तभी आपको दिख रहा है। बेसिक फेनोमेना लाइट कोई चीज देखने के लिए जब कुछ रिफ्लेक्ट होता है तभी वो दिखता है। आपको ये दिख कैसे रहा है, अगर ये पूरा एब्जॉर्ब करता तो ये आपको दिखना ही नहीं चाहिए था। हाँ सही बात है आपका, ये कुछ तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। आई एम सेइंग परफेक्ट ब्लैक, प्योर ब्लैक ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो हम क्या बताया आपको, रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी दो प्रकार का है, एक हीट और एक लाइट। जो सन से जो हीट आता है वो लाइट भी है और हीट भी है। हीट एक इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड रेडिएशन है और ये विजिबल रेंज में है ये, सो इसको हम लोग देख पाते हैं। तो जब किसी बॉडी पर ये लाइट पड़ेगा तो ये सारा एब्जॉर्ब करेगा, जब सारा एब्जॉर्ब करेगा तो ये हीट हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, और जब ये बॉडी हॉट होगा तो इसका मतलब ये हीट को इमिट करेगा, रेडिएट करेगा। हम लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को रेडिएट कर रहा है। ये हीट को रेडिएट कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। हम एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में लाइट में पढ़ाए हैं, हीट के बारे में नहीं बोले हैं। हम बोले हैं कि ये लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और व्हाइट कलर जो है लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। जब हम हीट की बात कर रहे हैं तो हर बॉडी हीट रेडिएट करता है, मेरा बॉडी भी हीट रेडिएट कर रहा है, एक एंट का बॉडी भी हीट रेडिएट कर रहा है, एक हाथी का बॉडी भी हीट रेडिएट कर रहा है। पर चूंकि हम बता रहे हैं कि ब्लैक कलर जो है वो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और व्हाइट कलर जो है वो मिनिमम लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सबको रिफ्लेक्ट कर देगा, तो इसका मतलब ये ज्यादा हॉट हो गया और ये कम हॉट हो गया। तो जिसके पास जो ज्यादा रहता है वो उतना देता है, तो ये ज्यादा हॉट है तो हीट को ये ज्यादा रेडिएट करेगा और ये कम हीट रेडिएट करेगा। इसीलिए थर्मामीटर का टेम्परेचर ब्लैक बॉडी में, ब्लैक केन में जल्दी गिरेगा। बात समझ में आई, इतना ही आपको जानना है। इससे ज्यादा जानने के लिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन करके एक टॉपिक है, वो आप सीनियर क्लास में पढ़िएगा। आपको नहीं जानना है तो इतना ही समझिए आप। ओके चलिए, अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन का क्या क्या एप्लीकेशन है तो भाई समझ लेते हैं हीट रेडिएशन का एप्लीकेशन क्या है। ड्यूरिंग समर, गर्मी के मौसम में हम लाइट कलर का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, इसलिए हमको कंफर्टेबल लगेगा। ठंडा के मौसम में हम डार्क कलर का कपड़ा पहनना पसंद करेंगे। क्यों? ये मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब कर देगा और हमारे बॉडी को वार्म रखेगा। तो रेडिएशन से ये दो बेनिफिट हो गया कलर के मदद से। तीसरा पॉइंट, कभी ये रूम हीटर देखे हैं? रूम हीटर में क्या होता है, रूम हीटर में एक रॉड लगा हुआ होता है जिसमें ये गर्म लाल हो जाता है और उसके अंदर मेटल का एक शाइनी सरफेस होता है और इसमें यहाँ पे रॉड लगा हुआ होता है, यही रूम हीटर का स्ट्रक्चर है। एक शाइनी सरफेस, ये तो इस कलर का है, मतलब एक शाइनी सरफेस होता है मिरर के जैसा। तो वो क्या होता है, जब ये रॉड गर्म होता है तो जो हीट रेडिएट करता है वो उस शाइनी सरफेस से टकरा के ज्यादा से ज्यादा बाहर आए ताकि रूम को ज्यादा से ज्यादा ये गर्म करे। ओके, सो एक और बात, तीसरा तीन पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हम ये कह रहे हैं कि जो कुकिंग पैन होता है उसका जो बेस होता है उसको ब्लैक कलर से पेंट करते हैं। क्यों ब्लैक कलर से पेंट करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करे और ज्यादा से ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब, फ्लेम से हीट को एब्जॉर्ब करे और उससे क्या होगा, पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। ये तो हो गया एप्लीकेशन। एक छोटा सा और पॉइंट है, पहले इसको लिख लेते हैं फिर उसके बाद इसको बताएंगे। एप्लीकेशन ऑफ हीट रेडिएशन,
White and light colored clothes are more comfortable in summer because it reflects maximum light falling on it. Black or dark colored clothes keep our body warm in winter because it absorbs maximum light falling on it. समझाने की कोई बात ही नहीं है, समझा चुके हैं. Base of cooking vessel, बर्तन, is painted black to absorb maximum amount of heat. ज़्यादा ज़्यादा heat absorb करेगा तो खाना जल्दी पक जाएगा. Polish the metallic surface behind the heating coil of room heater reflects most of the radiant heat, warming the room faster. रूम को गर्म जल्दी कर देगा क्योंकि उसके पीछे जो रिफ्लेक्टर होता है वो मैक्सिमम हीट को रेडिएटेड हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा. एंड इट विल कीप द रूम वार्मर, मेक द रूम वार्मर फास्टर. चलिए और दो बातें और हैं वो बता देते हैं. थोड़ा सा बात बचा हुआ है. So, as we know, air is poor conductor of heat. Air is poor conductor of heat. अच्छा, एक बात बताइए आप मेरे को. ठंडा के मौसम में हम लोग एक मोटा स्वेटर पहने या दो या दो से ज्यादा, दो या तीन पतला पतला स्वेटर पहने ज्यादा गर्मी कौन करेगा? एक मोटा स्वेटर ज्यादा गर्मी करेगा या तीन पतला पतला स्वेटर या दो पतला पतला स्वेटर ज्यादा गर्मी करेगा? दो पतला पतला स्वेटर ज्यादा गर्मी करेगा. थिकनेस मतलब मोटाई ऑफ द स्वेटर इज नॉट कीपिंग अस वार्म. एक्चुअली इन स्वेटर्स, If you see, sweaters are fluffy, फुलता है वो, fluffy होता है. तो fluffy कोई चीज़ fluffy कब होता है? Sponge लीजिए, sponge को दबाइए तो छोटा हो जाता है, छोड़ दीजिए तो उसका size बड़ा हो जाता है. तो बड़ा होता है तो क्या होता है? उसके अंदर air trap कर जाता है. Air के कारण ही ना वो sponge का size बड़ा होता है. और जब उसको दबाते हैं तो उससे air निकलता है. आपको शक है तो sponge को हाथ में लीजिए, पानी के अंदर ले जाइए और दबाइए तो देखिए बबल्स निकलेंगे. तो इसका मतलब उस स्पंज से क्या निकल रहा है? एयर निकल रहा है और वही एयर बबल्स के रूप में पानी में बाहर आ रहा है. तो हम कह रहे हैं स्वेटर्स हमको गर्मी से, ठंडा से बचाता है. कैसे? द स्वेटर का जो ऊन है दैट इज फ्लफी एंड एयर पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द ऊल. ऊल में एयर पार्टिकल ट्रैप हो जाता है. एज वी नो एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट विल रिटेन द हीट ऑफ द बॉडी. हमको ठंडा के मौसम में ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम है और हमारे बॉडी से हीट निकल के एटमॉस्फेयर में जा रहा है. क्योंकि मेरे बॉडी का टेम्परेचर हाई है एटमॉस्फेयर से, इसलिए हमको ठंडा लगता है. तो जब हम स्वेटर पहन लेते हैं तो जो एयर पार्टिकल्स होते हैं स्वेटर में वो बैड कंडक्टर होने के कारण हमारे बॉडी के हीट को एटमॉस्फेयर में लूज होने से बचाते हैं. अब आते हैं मेरे मेन क्वेश्चन पे. एक स्वेटर ज्यादा इफेक्टिव है कि दो स्वेटर? सर दो स्वेटर ज्यादा इफेक्टिव है. क्यों? एक स्वेटर हम पहन लिए उसके ऊपर दूसरा स्वेटर पहन लिए तो दोनों स्वेटर के बीच में हवा फंसा हुआ होगा ना, कुछ तो कुछ हवा होगा. सो वो हवा अगेन इट विल इंसुलेट द हीट ऑफ द बॉडी एंड इट इज मोर इफेक्टिव. तो हम अभी कहना क्या चाहें? हम इतना सिर्फ कह रहे हैं एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द वुलन क्लोथ्स prevent the heat of the body to loss into the atmosphere and keep our body warmer during winter. Done. इस एक्टिविटी को समझाते हैं एक और तरीके से. गर्मी के मौसम में आप लोग थर्मोफ्लास्क मिल्टन का खरीदते हैं, सेलो का खरीदते हैं ना, तो वो पानी को ठंडा रखता है या गर्म रखता है? अगर उसमें गर्म पानी रखिए तो ज्यादा देर तक गर्म रहेगा, ठंडा पानी रखिए तो ज्यादा देर तक ठंडा रहेगा. तो ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है.
थर्मस फ्लास्क। देखिए ये रहा आपका वाटर बॉटल, ये हो गया बाहर का वाटर बॉटल, मतलब बाहर से आप इसको पकड़ते हैं। इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर टाइप का बॉटल होता है। सो दिस इज आउटर लेयर, दिस इज इनर लेयर, और इन दोनों के बीच का जो खाली स्थान है वहां पे है वैक्यूम। ठीक है, तो हम आपको क्या बताएं, ये आउटर लेयर भी सॉलिड है, ये लेयर भी सॉलिड है, तो इन दोनों के बीच में ये जो गैप है वो टोटली वैक्यूम है, और वैक्यूम होने के कारण हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, क्योंकि हीट को ट्रांसफर होने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई माध्यम चाहिए। यहाँ पे कोई रेडिएशन हो नहीं रहा है, कोई हीट बॉडी तो है नहीं, और यहीं पर फंसा हुआ है, और अगर यहाँ पे कुछ है भी तो थोड़ा बहुत एयर होगा, और ऐसे भी हम लोग जानते हैं एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सो दिस इज द इनर कंपार्टमेंट यू वेयर यू पुट योर ड्रिंक, this is the outer layer where you keep your, from where you will hold the bottle, and in between both these there is vacuum, and this vacuum keeps the temperature of the drink retained, it is not lost into the atmosphere, atmosphere mein loss nahi hoga, isliye aapka drink jo hai zyada der tak garam ya thanda jo bhi rehna hai wo rahega, okay? Okay, so wool is poor conductor of heat because air trapped in between wool fiber prevent the flow of heat. बताएं air is a poor conductor of heat from the body to cold surrounding, so we feel warm. का winter में thermos flask का structure देख लीजिए, this is the outer layer, this one is the inner layer, ये अंदर साइड का लेयर है, और इसके बीच में लिक्विड रखते हैं, और ये जो ब्लैक कलर से हम पेंट किए हैं आपको बताने के लिए हम पेंट कर दिए हैं, अगर इसको हम यहाँ पे हटा दे तो हम ये कहना चाह रहे हैं this is the inner layer and this one is outer layer, और इन दोनों के बीच में ये जो है ये वैक्यूम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इवन दिस स्पेस इज एम्प्टी, इतना समझ लीजिए, कोई सॉलिड लिक्विड कुछ नहीं है। सो थर्मस फ्लास्क इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉटल विच डज नॉट अलाउ हीट लॉस और हीट गेन बाय द मटेरियल स्टोर्ड इन इट, जो मटेरियल इसमें स्टोर्ड है उससे ना हीट का गेन होता है ना उसमें इससे हीट का लॉस होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम बिटवीन आउटर एंड द इनर लेयर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एनी मेथड, तीन ही मेथड है, कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, सच एज कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये एरो का मतलब पॉसिबल ना समझना तुम लोग, चलो। एंड सो सब्सटेंस स्टोर रिमेन एट सेम टेम्परेचर फॉर लॉन्गर। So this was the last topic of the chapter heat. गलती से वहाँ fiber to fabric रह गया था, ठीक है? Confused नहीं होना, okay? Thank you.